चलो कल व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे, कल हमने क्या देखा एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो हम फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स देख रहे थे, ठीक है? फॉर्मेशन के पहले लेक्चर में हमने वेव कहाँ प्रोड्यूस की थी, बोलो बच्चों? तो सर हमने वेव प्रोड्यूस की थी, सर हमने वेव प्रोड्यूस की थी स्ट्रेट स्ट्रिंग में, बराबर? स्ट्रेट स्ट्रिंग में जहां पर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ऐसे कंटिन्यू हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, ऑल हार्मोनिक जिसको बोलते हैं, जहां पर पहला ओवरटोन बनता है सेकंड हार्मोनिक पे, यस सर नो? हमने वेव प्रोड्यूस की थी क्लोज पाइप में, क्लोज ऑर्गेन पाइप में, वहां उसके अलग अलग मोड डिस्कस किए और हमें डिस्कस हुआ, क्या दिखाई दिया था हमें? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, एन के बाद में थ्राइस एन आया था, फाइव एन आया था, सेवन एन आया था, क्लियर? और आज हम वेव प्रोड्यूस करेंगे, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे, बोलो कौन से पाइप में? यस, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑर्गेन पाइप, ओपन ऑर्गेन पाइप में प्रोड्यूस करेंगे। हेडिंग लगाओ, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गेन पाइप। ओपन पाइप की आइडेंटिटी क्या है? इट शुड बी ओपन फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से ओपन होना चाहिए, बराबर? यस सर। सबसे पहला जो मोड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, फंडामेंटल मोड या फिर पहला हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ये तो बाय डिफॉल्ट टर्म है, हार्मोनिक को लेना देना नहीं है वो प्रेजेंट है या नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, फंडामेंटल है ये। चलो अब मैं सबसे पहले ओपन पाइप बनाता हूं यहाँ पे, ओपन पाइप, ये रहा हमारा ओपन पाइप और इसका पहला मोड। तो कैन यू टेल मी नोड और एंटी नोड कहाँ फॉर्म होते हैं, क्लोज एंड पे क्या और ओपन एंड पे क्या? अब यहां तो क्लोज है ही नहीं, दोनों एंड ओपन है, तो दोनों ओपन एंड पे क्या फॉर्म होगा, बोलो भैया? दोनों ओपन एंड पे क्या फॉर्म होगा? यस, दोनों एंड पे फॉर्म होगा एंटी नोड, एंटी नोड, तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी एंटी नोड और यहां पर भी एंटी नोड, करेक्ट? तो यू कैन क्लियरली सी ये भी ए है, ये भी ए है और ये एन है, तो हमारी जो लेंथ है, लेंथ ये जो दिख रही है ना, लेंथ ऑफ दी पाइप, वो कितने वेवलेंथ में डिवाइड हो रही है? डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड, जिसे हम बोलते हैं लैम्ब्डा बाय टू, सही बोल रहा हूँ ना? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लैम्ब्डा बाय टू, यहां से लैम्ब्डा आ जाएगा ट्वाइस एल, लैम्ब्डा हो जाएगा ट्वाइस एल, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं सर। फिर लगाएगी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी होती है वी बाय लैम्ब्डा, वी बाय लैम्ब्डा, वी अपॉन लैम्ब्डा का वैल्यू ट्वाइस एल, लैम्ब्डा का वैल्यू ट्वाइस एल, तो मेरा पहला फॉर्म आ गया है वी अपॉन ट्वाइस एल इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा ऑर्गेन पाइप? ओपन ऑर्गेन पाइप, ओपन ऑर्गेन पाइप की है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लियर? ठीक, बहुत अच्छे। सेकेंड मोड, अब मुझे नहीं पता यहां पर सारे मोड आएंगे या सारे मोड नहीं आएंगे, इसलिए मैं नामकरण बाद में करता हूँ, नाम बाद में रखते हैं इसका, ये तीसरा रहेगा या सेकेंड हार्मोनिक रहेगा, चौथा रहेगा, मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखो स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, मोड बढ़ जाएगी यहाँ पे, कैसा रहेगा? ओपन एंड पे शुड बी क्या फॉर्म होना चाहिए? एंटी नोड ही फॉर्म होना चाहिए, देखो ओपन एंड पे एंटी नोड ही फॉर्म किया,
मोड़ बढ़ गए यहाँ पे। देखो पहले कितने एंटी नोड थे, एक दो, अब कितने एंटी नोड हो गए, तीन, दिख रहे ना। हाँ सो कैन यू टेल मी मेरी जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई, देखो लैम्डा बाय टू और ये लैम्डा बाय टू, मतलब पूरा एक वेव हो गया ना, लैम्डा हो गया राइट। तो लैम्डा की वैल्यू एल हो गई, एल क्लियर। सो बोलो भैया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वी बाय लैम्डा, लैम्डा को हम एल लिख सकते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, देखो, और ये जो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है ये डबल है, डबल डबल, ट्रिपल नहीं है, डबल है। इसको मैं एन टू नाम दे देता हूँ, चलेगा एन टू। तो मुझे पता है कि ये अगर पहला हार्मोनिक है तो ये दूसरा हार्मोनिक है, देखो सेकेंड। अब नामांकरण कर सकते हैं, इसका नामांकरण क्या रहेगा बोलो, सेकेंड हार्मोनिक जो कि प्रेजेंट है, इसीलिए दूसरा नाम है इसका फर्स्ट ओवरटोन। समझ रहे हो बात को, जब तुमने क्लोज पाइप पढ़ा था कल, तो क्लोज पाइप में यहां पर वी अपॉन फोर एल आ रहा था, ये सर, और यहां पर एन के बाद में डायरेक्ट थ्री टेन आ रहा था, थ्री टाइम्स एन, जिसके कारण उसका नाम बन रहा था तीसरा हार्मोनिक स्लैश फर्स्ट फोर। हैव यू गॉट द बेसिक आइडिया। अब यहाँ एन के बाद में डायरेक्ट टॉय सेन आया है, तो बोलो अगला क्या आएगा, बोलो भाई अगला क्या आएगा, थ्राइस एन, फोर एन, फाइव एन, सिक्स एन। तो क्या हम जनरल फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, कैसा सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन नंबर का ओवरटोन, एनएथ ओवरटोन बराबर होता है एक ज्यादा, एक ज्यादा पहला दूसरे पर आया है, इसका रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एन प्लस वन हार्मोनिक। देखो मैंने क्या लिखा, मैं अपना ऑडियो ऑफ कर दो, नहीं क्या ऑडियो ऑफ कर दो भाई अपना, ठीक है निहाल मुल्तानी प्लीज ऑडियो ऑफ कर दीजिए। चलो ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला ओवरटोन दूसरे हार्मोनिक पे आ रहा है, तो दूसरा ओवरटोन तीसरे हार्मोनिक पर आएगा, चौथा ओवरटोन पांचवा हार्मोनिक पर आएगा, तो इन जनरल एन नंबर का ओवरटोन एन प्लस वन के हार्मोनिक पर आएगा। आर यू क्लियर विद दिस, बोलो भाई कोई डाउट तो नहीं इसमें, डाउट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो अब मैं तुम्हें इस पे प्यारा सा सवाल करवाता हूँ, जो कि स्टैंडर्ड सवाल है नीट का, बहुत बार पूछता है स्टैंडिंग वेव्स पे जनरली। देखो वो क्वेश्चन क्या है, हमेशा क्वेश्चन आएगा तो क्लोज और ओपन को कंपेयर ही करेगा, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। क्लोज में ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट और इसमें ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट। तो देखो अभी एक अच्छा सा सवाल है हमारे पास, सवाल बोला है थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गेन पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ
क्लोज ऑर्गेन पाइप इज इन यूनिजन विथ इज इन यूनिजन. यूनिजन का मतलब यहां पर यूनिजन का मीनिंग होगा मैच होना. यूनिजन विथ फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप विथ फोर्थ चौथा हार्मोनिक देखो हार्मोनिक है ऑफ ओपन पाइप. ओपन पाइप का चौथा हार्मोनिक के साथ यूनिजन हो रहा है. फाइंड रेशियो ऑफ फाइंड रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पाइप. लेंथ ऑफ टू पाइप दोनों पाइप की लंबाई का रेशियो पता करो. रेशियो पता करो पहले सवाल ढंग से पढ़ो. बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन ही इजी बन जाता है. हमें फॉर्मूला कंफ्यूज कर देता है. पढ़ लिया. अब क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है मैं सबसे पहले वो बोर्ड पे लिख देता हूं आपको. ठीक है. सो व्हाट इज गिवन कंडीशन. यूनिजन का मतलब मैच होना. कौन किसके साथ मैच हो रहा है. तीसरा ओवरटोन क्लोज पाइप का. तीसरा ओवरटोन मैं शॉर्ट में ऐसा लिखता हूं देखो. और तीसरा ओवरटोन क्लोज पाइप का चलेगा. सिंबॉलिक भाषा. तीसरा ओवरटोन क्लोज पाइप का इज इक्वल टू चौथा हार्मोनिक ओपन पाइप का. चौथा हार्मोनिक को जनरली हम नंबर से लिखते हैं. चौथा हार्मोनिक ओपन पाइप का चलेगा ऐसे सिंबॉल. हाँ अब मुझे बताओ क्लोज पाइप में कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं. ओनली ऑड हार्मोनिक. ओनली ऑड हार्मोनिक समझ गए बात. ओनली ऑड हार्मोनिक. तो कैन यू टेल मी तीसरे नंबर का ओवरटोन कहां पर आएगा. कितने वे हार्मोनिक पर आएगा. बोलो बोलो बोलो. तीसरे नंबर का हार्मोनिक कितने वे पर आएगा. यस निरान करेक्ट. बोलो तीसरे नंबर का हार्मोनिक कहां पर आएगा. इसके लिए मैंने शॉर्टकट भी बताया था आपको. 2n plus 1 कनिष ने सही बताया. 2n plus 1. अरे देखो तीसरे हार्मोनिक पर पहला ओवरटोन आ रहा था. यस और नो. पांचवे हार्मोनिक पर दूसरा ओवरटोन आएगा और सातवें हार्मोनिक पर तीसरा ओवरटोन आएगा. समझ गए. तो वैसे गिनती खेलते नहीं बैठना. 2n plus 1 2 into 3 plus 1 2 3 6 plus 1 समझ गए. तो कहना राइट 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप. क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था. वी अपॉन 4L. बोल हाई है ना. इसको सी लगा देता हूँ क्योंकि अब कंपैरिजन हो रहा है वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे एल एल में. क्या तुम्हें ये भाषा समझ आई. देखो 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 7 हार्मोनिक 7 अलग किया और फंडामेंटल हार्मोनिक क्या होता है. वी अपॉन 4L. बहुत अच्छा. यहाँ चौथा हार्मोनिक ही बोला है ओवरटोन नहीं बोला है. तो चौथा हार्मोनिक चौथे पर ही आएगा हार्मोनिक. लेकिन ओपन पाइप का तो ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला होता है वी अपॉन ट्वाइस एल ओ. अभी तो देखा हमने. सबसे पहले मुझे कमेंट करके बता दो क्या तुम्हें ये बात समझ आई. अरे आई है नहीं. जल्दी जल्दी सभी लोग. इट इज वेरी इजी लेकिन नहीं समझेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम है. सिंपली क्लोज के समय पे 2n प्लस 1 मतलब 2 3 जा 6 प्लस 1 7 इसकी फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l होती है. ठीक है. और ये तो फोर्थ हार्मोनिक है तो हार्मोनिक तो अपनी ही जगह पे होता है. तो फोर्थ और हार्मोनिक ओपन पाइप के लिए v अपॉन ट्वाइस l होता है. क्लियर. अब जो कॉमन क्वांटिटीज है कैंसल आउट कर दो जिससे वी से वी खत्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 2 4. पहले कौन सा पाइप बोला है क्लोज. क्लोज पाइप का इधर एल ले लो तो जगह एल सी अपॉन एल ओ. एल सी इधर लिया. इधर क्या बचा 7
अपॉन फोर, और ये रेड वाला टू इधर ट्रांसफर हो गया, सो माई आंसर विल बी 7/8, माई आंसर विल बी 7/8, चेक इट, एनी कंफ्यूजन देयर प्लीज लेट मी नो. चलो कर दूं चेंज. ओके चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नीट का, बहुत बार आया है ऐसे सवाल. और क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना कि रेशो में कौन सी टर्म ऊपर लेनी है. अभी जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा था तो पहले क्लोज बाद में ओपन, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, ओपन और क्लोज का रेशो पूछ लेता है. और व्हेन यू सी द ऑप्शन तुम्हें दोनों ऑप्शन दिखेगी 7/8, 8/7. सिली मिस्टेक अवॉइड. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ, हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हैज फंडामेंटल, समझते हो ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज. फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज, हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. हाउ लॉन्ग ईच पाइप इज, हाउ लॉन्ग ईच पाइप इज, हर पाइप की लंबाई बतानी है और ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया है 330. बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ो उसको पहले. आराम से पढ़ो. क्या बोला है, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो मुझे बताओ ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है. NO लिख देता हूं मैं क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना. ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला है टॉइस L, बराबर, टॉइस L, यस और नो, टॉइस L. ठीक है, टॉइस एल, तो यहां से एलओ निकाल लो, लेंथ ऑफ द ओपन पाइप आ जाएगा वी अपॉन टॉइस एन ओ, वी अपॉन टॉइस एन ओ. वेलोसिटी कितना दिया है 330 और फ्रीक्वेंसी कितना है 300 है, 300. ठीक है, यहां से एलओ आ जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ द ओपन पाइप आ जाएगी. दोनों पाइप की लेंथ पता करनी है ना, मैं यहां लिख देता हूं 0.55 मीटर, 0.55 मीटर, करेक्ट. अब
क्लोज पाइप की भी लंबाई पता करनी है, बट क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, उसके बदले में हमें कंडीशन दी है पढ़ो क्या है। पहला ओवरटोन क्लोज पाइप का, पहला ओवरटोन क्लोज पाइप का, तो मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप का सेम है पहला ओवरटोन ओपन पाइप का। ओके, पहला ओवरटोन ओपन पाइप का, समझो सिंबल। क्लोज पाइप का पहला ओवरटोन कहाँ आता है कह रहे बच्चों, बोलो जल्दी से, क्लोज पाइप का पहला ओवरटोन कहाँ आता है, तीसरे हार्मोनिक पर। तो कैन आई राइट थ्री टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थ्री टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सर नो बराबर। यहाँ पर तीसरा हार्मोनिक आ जाएगा जिसको हम V अपॉन 4L बोलेंगे, करेक्ट। और इसका इसका पहला ओवरटोन कहाँ आएगा, ओपन पाइप का पहला ओवरटोन कहाँ आता है, सेकेंड हार्मोनिक पर, कहना राइट V अपॉन ट्वाइस एल ओ, समझ रहे हो बात को, बस फिर काम खत्म, काम खत्म। ये देखो 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 देखो, V से V मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, और इसके से LC पता कर ले रहा है, LC, तो LC का वैल्यू आ जाना चाहिए, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3LO by 4 आएगा, 3LO by 4, अब कर लेना इसको, 3 by 4 into 0.55, 3 by 4 into 0.55, it should be 0.41 meter। देखो भैया इसमें कोई डाउट है क्या, देखो देखो इसमें कोई डाउट है क्या, एनी डाउट इन दिस, ठीक। मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, कुछ पीपीटी में भी है, तो मैं वो भी तुम्हें हुआ तो अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वेट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट,